नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एलएनटी में नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि एलएनटी यानी कि लार्ज एंड टुब्रो में आ चुकी है नई और बम्पर वैकेंसी। इस साल 2024 में पहली बार एलएनटी की तरफ से अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी को आउट किया गया है, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एलएनटी में काफी बल्क में हायरिंग ली जा रही है, भारी मात्रा में यहां पर वैकेंसीज को आउट किया गया है और काफी अर्जेंट वैकेंसी है, यानी कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो जल्द से जल्द आपको यहां पर नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों, सैलरी भी काफी अच्छी आपको मिल रही है, सैलरी के अलावा काफी सारे बेनिफिट भी आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप भी एक नौकरी पाना चाहते हैं, अच्छी खासी सैलरी पाना चाहते हैं, तो इस वैकेंसी के लिए अभी के अभी आज ही अप्लाई जरूर कीजिएगा। अप्लाई कैसे करना होगा वो कंप्लीट प्रोसेस हम आपको बताएंगे, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सके। और अप्लाई करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सके। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको अप्लाई करना है, कोई भी पेमेंट कोई भी फीस आपको नहीं जमा करानी है, बिल्कुल फ्री में आपको अप्लाई करना है। ये जो जॉब है एलएनटी की जॉब है, ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फीस नहीं ली जा रही है और ना ही कोई आपका एग्जाम लिया जा रहा है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होने वाला है। आज अप्लाई करेंगे तो 15 से 20 दिनों के अंदर आपको ये जॉब मिल जाएगी। कैसे जॉब मिलेगी सारी जानकारी आपको देंगे, कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको बताएंगे। तो आज के इस वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो चैनल है इंडिया का नंबर वन एजुकेशन चैनल है, जी हां दोस्तों, इंडिया का नंबर वन एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है, वो भी 100% रियल जानकारी। तो ये रहा सब्सक्राइब करने का बटन, इसे दबा दीजिएगा, पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर या पीसी पर। ठीक है, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई जॉब की जानकारी ले सकते हैं, यहां पर आपको पूरी जानकारी के साथ साथ अप्लाई करने का लिंक भी प्रोवाइड किया जाता है, तो विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए भर्ती की आपको जानकारी देते हैं सीधा आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर tipswarrierbuzz.xyz पर। ये दोस्तों हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tipswarrierbuzz.xyz, यहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है, रेलवे, बैंक, लेटेस्ट जॉब, एसएससी, सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा और नई भर्तियों की जानकारी लेकर के अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास भी हैं तब भी आप विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि एलएनटी की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2024 की। जी हां दोस्तों, एलएनटी की तरफ से नई वैकेंसी आउट हो चुकी है, तो लार्ज एंड टुब्रो की तरफ से ये वैकेंसी है। और यहां पर कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है, मल्टीपल जॉब्स यहां पर आउट की गई है। ठीक है, तो कौन कौन सी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं, मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, इंजीनियर की है, सीनियर इंजीनियर की है, पीएनएम, फोरमैन की है, एग्जीक्यूटिव की है, सुपरवाइजर की है, एचआर की है, आईटी ट्रेनीज की है, असिस्टेंट मैनेजर की है, और भी अलग अलग पोस्ट है जिसकी जानकारी आप सीधा ऑफिशियल पोर्टल से भी ले सकते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे कैसे आपको जानकारी लेनी है। यहां पर आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज है, मल्टीपल वैकेंसीज है, अनगिनत वैकेंसीज है, रोजाना आपको नई जॉब देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, आप चाहे इंडिया के किसी भी सिटी में रहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एज ए फ्रेशर हैं, कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, अगर आपने हाल ही में कोई भी क्वालिफिकेशन हासिल की है, उसके बाद कोई भी आपने काम नहीं किया है आपकी लाइफ में, तो आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बिना एक्सपीरियंस के भी आप एलएनटी की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल जॉब्स है, काफी सारी वैकेंसीज हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए भी काफी सारी जॉब्स हैं। ठीक है, बात करते हैं कि यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तो बिना एग्जाम के सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होने वाला है। कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो सैलरी आपको मिलेगी, कम से कम 23,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी और यहां पर 85,000 रुपए तक आपको जो है सैलरी मिल सकती है। ठीक है, तो सैलरी भी काफी अच्छी आपको देखने को मिल रही है। वहीं एज लिमिट की बात की जाए तो
यहां पर जो एज लिमिट है वो कितनी है, कम से कम आप देख सकते हैं 18 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपकी जो एज है 18 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप यहां पर 55 साल के भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो फीस है सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी कैंडिडेट्स फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सिटी से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन में यहां पर 10th 12th ग्रेजुएट आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री पास सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए यहां पर वैकेंसीज को आउट किया गया है। अब अप्लाई कैसे करना है वो कंप्लीट प्रोसेस आपको यहां पर दे रखा है ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। तो अप्लाई करते समय आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहां पर आपको करियर का लिंक मिलेगा, क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। वहां पर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि क्वालिफिकेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, जो भी आपकी जानकारी है वो डालनी है। डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जैसा कि रिज्यूमे, वो आपको अपलोड कर देना है और फॉर्म को भर के सबमिट करना है। अप्लाई करते समय आपकी जो भी जानकारी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपकी जानकारी मेंशन है, वही जानकारी आप यहां पर दीजिएगा। जल्द से जल्द आपको नौकरी मिलने वाली है। तो यहां पर डॉक्यूमेंट अगर आपके सही होंगे, इंफॉर्मेशन सही देंगे, तो आपको बाद में यहां पर डॉक्यूमेंट चेक कराने होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी आपको देखना होगा। तो उसमें आपको अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो आपको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यह गलती आपको नहीं करनी है। तो सही से जानकारी आपको यहां पर मेंशन करनी है ऑनलाइन अप्लाई करते समय, ठीक है, ताकि आपके जब भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं तो कोई भी गड़बड़ ना हो और आपको ये जॉब बड़े ही आसानी से मिल जाए, ठीक है। कोई भी एग्जाम तो नहीं लिया जा रहा है, तो डायरेक्ट आपको ये जॉब मिल रही है। तो सिंपल तरीके से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का लिंक ये रहा, यहां से आपको क्लिक करना है और अप्लाई करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहां पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप नए पोर्टल पर आ जाएंगे। हम आ चुके हैं एलएनटी के करियर पोर्टल पर, जैसा कि आप देख सकते हैं लार्ज एंड टुब्रो के करियर पोर्टल है ये, और यहां पर आपको पूरी भर्तियों की जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन सी पोस्ट पर यहां पर वैकेंसीज है। आप चाहें तो सर्च जॉब पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग जो है जॉब को फाइंड आउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारी जॉब्स है, आज की डेट में काफी सारी जॉब्स को यहां पर पोस्ट किया गया है, ठीक है। तो यहां पर फाइनेंस अकाउंटेंट की है, चार्टेड अकाउंटेंट की है, एस्टिमेटेशन एंड प्रपोजल इंजीनियर्स की है, एडमिन की है, ब्रांड लीड की वैकेंसी है, ऑपरेशन कंट्रोलर की है, मैंने आपको पहले बताया काफी सारी और भी वैकेंसीज है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की वैकेंसी भी आप यहां पर देख सकते हैं, डायनोमो प्रोग्रामर की वैकेंसी भी है, काफी सारी जॉब्स यहां पर है, ठीक है। फॉर्म वर्क इंजीनियर्स की है, सुपरवाइजर कैटेगरी की वैकेंसी भी है, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, पार्ट प्लानर की वैकेंसी है, सेल्स मैनेजर की है, बिजनेस डेवलपर की है, सप्लाई चेन की है, काफी सारी जॉब्स आप यहां पर देख सकते हैं निकाली गई है। अलग अलग लोकेशन से भी है, इंडिया की वैकेंसीज है, आउट ऑफ कंट्री की वैकेंसी भी आप देख सकते हैं, बट यहां पर जो वैकेंसीज है इंडिया के अंदर जैसे कि सूरत में है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की वैकेंसी भी है, मल्टीपल जॉब्स यहां पर निकाली जा रही है। और यहां पर अगर आप चाहें तो फिल्टर कर सकते हैं, एज अ फ्रेशर के लिए भी आपको वैकेंसी यहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपको चेकआउट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल चुकी है। और यहां पर आपको करना क्या है, अप्लाई पर क्लिक करना है और यहां पर लॉगिन करना है अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो। अगर नहीं बना रखा है तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यहां पर आपको न्यू यूजर पर क्लिक करना है, आपको यहां पर आपका नाम डालना है, सबसे पहले आपका नाम, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड कंफर्म करना है, चेकबॉक्स को राइट करना है, इसको भी राइट करना है और साइन अप का बटन है इस पर क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आपको यहां पर करना होगा साइन इन, साइन इन करके आपको यहां पर लॉगिन करना है, जो आपने आईडी पासवर्ड डाला है उसके बिहाव पर आपको लॉगिन करना है, चेकबॉक्स को राइट करना है, उसके बाद आपका जो रिज्यूमे है वो अपलोड करना है और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है वो स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करके सबमिट करना है। वन बाय वन करके आप जो है इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस एक बार आपको रजिस्टर करना है, फिर आपको साइन इन करना है, इनमें से किसी भी प्रोफाइल के लिए आप सुटेबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि रोजाना आपको नई जॉब की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।